हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरिब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे शनिवार को सांसद कप क्रिकेट के फाइनल में होंगे शामिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार भी कर रहे हैं शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छिंदवाड़ा भी हुआ शामिल MLB स्कूल में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री को सुना जिले भर में प्रसिद्ध मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण कराएगी जिला पंचायत सर्वे करने के बाद पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट लोक संस्कृति को बनाए रखने की कवायद और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को दी गई ट्रेनिंग रोटरैक्ट क्लब के साथ मिलकर यातायात विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल तो अब खबरें विस्तार से छिंदवाड़ा लोकसभा के सांसद नकुलनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे विशेष विमान से छिंदवाड़ा आए सांसद का इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया अपने दौरे के दौरान सांसद चौरी ब्लॉक में आयोजित विविध कार्यक्रमों और रोड शो में हिस्सा लेंगे साथ ही 28 जनवरी को शहर में चल रहे सांसद कप के फाइनल में शिरकत करेंगे उनके साथ स्टार खिलाड़ी और भारतीय टीम के सदस्य भुवनेश्वर कुमार भी सांसद कप फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे खड़े हो पहले खड़े जाओ सब खड़े पास खड़े भैया इधर देखो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और स्टार क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार की मौजूदगी में शहर में चल रहे सांसद कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शनिवार को इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि शनिवार 28 जनवरी सुबह 10:30 बजे बालाजी क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और CCA क्रिकेट क्लब के मध्य फाइनल मैच खेला जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद नकुलनाथ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार उपस्थित रहेंगे इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,11,111 रुपए प्रदान किए जाएंगे साथ ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी को पल्सर बाइक बतौर इनाम दी जाएगी चलो आप लोगों ने पहले से बहुत ऑर्गेनाइज किया हम तो सिर्फ उसके लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच शाम को आएंगे जब आपने बुलाया मैं आऊंगा अच्छा लगा अब मुझे थोड़ा सा किसी जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत से सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का लगातार तीसरा वर्ष है जैसे कि परंपरा रही है कि माननीय नकुलनाथ जी इस सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए उत्साहवर्धन के लिए साथ में लेके आते हैं सन 2020 में 2021 में उन्होंने मिस्टर IPL सुरेश रैना को लेके आए थे पिछले वर्ष 2022 में यूसुफ पठान जी आए थे
और इस बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जो कि स्विंग गेंदबाजी के बेताज बादशाह हैं भुवनेश्वर कुमार, वो साथ में आ रहे हैं और हमारे अतिथियों माननीय नकुल नाथ जी और भुवनेश्वर कुमार जी की उपस्थिति में ये फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें CCA क्रिकेट छिंदवाड़ा क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और बालाजी क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के बीच ये फाइनल मैच खेला जाएगा। इसमें दर्शकों के बैठने के लिए बहुत उत्तम और बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था की गई है। दोनों तरफ जो स्टेडियम के स्टैंड हैं उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई ताकि मैच का वो भरपूर आनंद ले सकें और यह आयोजन छिंदवाड़ा के लिए एक पहचान बने, छिंदवाड़ा के लिए इतिहास बने। इस कार्य को करने के लिए हमारी पूरी आयोजन समिति जिसमें सभी लोग लगे हुए हैं, आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस भव्य और दिव्य आयोजन का आनंद लें, लाभ लें। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। विगत 3 वर्षों से यह आयोजन लगातार चल रहा है। आज 2023 में पूरी 32 टीमों ने इस आयोजन में पार्टिसिपेट की। यह प्रतियोगिता 5 जनवरी से हमने प्रारंभ की थी, जिसका दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल खेला गया और फाइनल मुकाबला 28 जनवरी को प्रातः 11 बजे से यहाँ स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में यहाँ पर खेला जाएगा। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस फाइनल मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके यहाँ पर फाइनल मुकाबला देखने के मुकाबले में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी समस्त तैयारियां हमारी हो चुकी है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए समिति के समस्त पदाधिकारी और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर समय समय पर मौजूद हो रहे हैं और सारी तैयारियों की निरीक्षण कर रहे हैं। आज माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आए, विनायक वर्मा जी आए और उन्होंने निरीक्षण किया और लगभग हमारे साथ 1-2 घंटे रहे और सारी निरीक्षण उन्होंने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में वार्षिक परीक्षाओं से पहले होने वाला परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा जिले में भी स्कूलों में स्क्रीन के माध्यम से बच्चों के बीच प्रधानमंत्री की बात और विचार पहुंचे। शहर के MLB स्कूल को भी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जोड़ा गया था, जिसमें जिले भर के बच्चे प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं को समझाइश दी और परीक्षा में तनाव से बचने के उपाय बताए। MLB स्कूल में आयोजित लाइव कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल, सहायक शिक्षा अधिकारी एवं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्राचार्य भरत सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच मैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है, आपका क्या मत है, लंबा चलता है, लंबा चलना चाहिए? अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हो, बताइए क्या करेंगे, कौन पहले पूछते हैं। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक
जिला पंचायत सभाकक्ष में शुक्रवार को दोपहर आयोजित की गई। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के जितने भी धार्मिक और ऐसे स्थल जहां मेले लगते हैं, उन स्थानों का विकास किया जाएगा। इसके लिए जिले का सर्वे करने के बाद इसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी। पदाधिकारियों का कहना है कि इन धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा ताकि वर्षों से चले आ रहे मेलों का स्वरूप बना रहे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा हुई। वो टीम बना के जांच कराएंगे, लेकिन अगर ऐसा होगा ना कि सारे फोटो तो दे देंगे, लेकिन बात क्या होता है फोटो में, क्या होता है वो जब बिल्कुल सही है तब का तो फोटो दे देगा आदमी, लेकिन जो वास्तव में जहाँ पे दिक्कत होगी वो वाला फोटो नहीं आएगा। तो वो बात तो मतलब सामान्य प्रशासन समिति की बैठक थी और उसमें बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें सभी हमारे सभापति, जिला पंचायत के सभापति उपस्थित हुए और मुख्यतः जो मुद्दे थे उन पर चर्चा की गई। मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा इसमें तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुख्यतः हमने जो सबसे पहले विचार किया है कि हमारे जिले के जितने भी धार्मिक शक्ति केंद्र हैं और जो पुरातन महत्व के स्थल हैं जहाँ पर हमारे मेले वगैरह का आयोजन होता है, उनको सूचीबद्ध किया जाए पूरे जिले में पर्यटन विकास विभाग के माध्यम से, उसको सूचीबद्ध किया जाए और सूचीबद्ध करके उन जगहों का विकास और डेवलपमेंट का काम जिला पंचायत के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा। इसका हमने प्रस्ताव लिया है और अनुमोदन के लिए राज्य शासन को भी भेज रहे हैं ताकि हमारे जो पुरातन स्थल हैं उनका विकास हो सके। छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन शुक्रवार को चौरई ब्लॉक के तहत 16 गांव में रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया। चौरई और चांद क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सांसद नकुलनाथ पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी, साथ ही उनकी समस्याओं के तत्काल निराकरण का भरोसा भी दिया। गौरतलब है कि जिले के सांसद हर महीने या फिर महीनों में दो बार जिले भर में रोड शो के माध्यम से ग्रामीण जनों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। हमारे नेता युवा हृदय सम्राट, बड़ी खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर। मेरे पिछले 3 छिंदवाड़ा दौरे में मैंने चौरई विधानसभा का दौरा किया है, हर ब्लॉक का दौरा किया है। आज भी मैं लगभग 17-18 गांव में पहुंचूंगा और जनता से उनकी परेशानी और समस्याओं की जानकारी प्राप्त करूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि अब विधानसभा चुनाव को केवल 8-9 महीने बाकी है। मैं यहाँ आज आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया, मैं आपके बीच में आया हूँ आपके समस्याओं, आपके परेशानियों को जानने और उनका जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए। लेकिन 2 साल तो कोरोना के कारण सब ठप पड़ा रहा, 2 साल ये नहीं कि मैं आराम कर रहा था। जब कोरोना की महामारी पूरे देश में फैल रही थी तो मैं और कमलनाथ जी दिन रात प्रयास कर रहे थे कि हमारे छिंदवाड़ा जिले का कोई भी व्यक्ति को ऑक्सीजन या इंजेक्शन से वंचित ना रहना पड़े। तो छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा जिला था जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इंजेक्शन की कमी नहीं थी। हालात तो ऐसे थे कि छिंदवाड़ा से हमने ऑक्सीजन सियोनी को सप्लाई किया, बैतूल को सप्लाई किया, नरसिंहपुर को सप्लाई किया, लेकिन आज ये वैश्विक महामारी हमारे पीछे है और अब हमें तय करना है कि आगे का रास्ता कैसे उज्जवल। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ओरिजिनल एवं प्रमाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में, हैंडलूम फैब्स, यहां आप पाएंगे
शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से, और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999, आज खरीदें पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम ईएमआई, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश ईएमआई। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए एचएफ डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। इन दिनों शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में यातायात पुलिस ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाए, साथ ही इन नियमों का पालन करने का संकल्प भी दिलाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर यह कार्यक्रम रोटरेट क्लब और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया था, जिसमें ट्रैफिक पुलिस TI कुंवर सिंह उद्दे, सूबेदार लोहित शेंडे, रोटरेट क्लब के अध्यक्ष सूफी अब्दुल तहसीन, प्रकाश पोफली, अनुज चौकसे, ओवेस मंसूरी, आकांक्षा और केंद्रीय विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। कभी गलत लेन में ड्राइव नहीं करूंगा। आज रोटेट क्लब है छिंदवाड़ा, यातायात है पुलिस है छिंदवाड़ा और हमारे TRF टीम छिंदवाड़ा के द्वारा छोटा सा एक कार्यक्रम था संडे स्कूल केंद्रीय विद्यालय में, एक में बच्चों को यातायात सुरक्षा जागरूकता के संबंध में एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि यातायात नियमों कैसे पालन करना है, हेलमेट लगाने के संबंध में, सीट बेल्ट लगाने के संबंध में, और स्पीड गाड़ी नहीं चलाने के संबंध में, और एक झांकी के माध्यम से भी हम लोग ने TRF टीम द्वारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया कि एक्सीडेंट होती है तो कैसे बचाव किया जाता है, क्या कारण एक्सीडेंट होने का, तो उनको फिर जैसे कोई मदद करता है उसे क्या नियम है, उसके इनाम मिलता है, एक गुड से मेंटेन करके जो मदद करने वालों को 5000 रुपये इनाम दिया जाता है, तो क्या छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिया गया। बैंक मैनेजमेंट पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए शुक्रवार 27 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी कर्मचारी देश भर में एक दिन की हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों का कहना है, बैंक में स्टाफ की भारी कमी है। पूरे देश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कई ऐसी ब्रांचेस है जहां एक भी क्लर्क स्टाफ नहीं है। कई जगह आउटसोर्स से जैसे तैसे काम चल रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों के पास पर्याप्त छुट्टी होने के बावजूद भी वो छुट्टी नहीं ले पाते, इससे उनके काम पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रबंधन तानाशाही पूर्ण रवैये पर उतर आया है।
देश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हड़ताल है और ये हमारी जो मैनेजमेंट है उसका तानाशाहीपूर्ण रवैया है, स्टाफ की भारी शार्टेज है। हमारा बैंक बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक कहलाता है, सारे टारगेट्स पूरे हैं लेकिन स्टाफ की इतनी शार्टेज है। हमारी 100 से अधिक ब्रांचेज ऐसी हैं जहां एक भी क्लर्क नहीं है, 100 से अधिक ऐसी ब्रांचेज हैं जहां सिर्फ एक क्लर्क है। हमारी 600 ब्रांच ऐसी हैं जहां सब स्टाफ ही नहीं है और हमारी सारी ब्रांचेज पूरे देश में सारी ब्रांचेज हैं वहाँ पर पार्ट टाइम सब स्टाफ ख़त्म ही कर दिया गया है और वो सब आउटसोर्स है या कैसे भी काम हो रहा है, जबकि सारी ब्रांचेज में पार्ट टाइम सब स्टाफ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ गार्ड भी की नौकरी भी ख़त्म कर दी गई है और हमारा सारा स्टाफ अधिकारी कर्मचारी इतने प्रेशर में काम कर रहा है, जबकि हम बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक में आते हैं, सारे टारगेट्स हमारे पूरे हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। इस हड़ताल को मजबूरी में किया गया है, हड़ताल से ना भाई कर्मचारी को लाभ है, ना बैंक को लाभ है, ना समाज को लाभ है, ना ग्राहक को लाभ है, लेकिन मजबूरी बस ये हड़ताल हमको करना पड़ रही है क्योंकि मैनेजमेंट जो है अपना अड़गियल रवैया अपना रहा है और उसकी साजिश ऐसी है यूनियन ख़त्म हो जाए। स्टाफ के पास में पर्याप्त छुट्टियां हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। देश में सनातन धर्म के संतों का अपमान हो रहा है। जो लोग घर वापसी करवाने और लोगों को वापस सनातन धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, यह कहना है राष्ट्रीय हिंदू सेना का। शुक्रवार को राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का जिक्र करते हुए हिंदू संतों का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के श्याम मानव का पुतला भी दहन किया गया। गौरतलब है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और श्याम मानव का मामला इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया। संतों का जो अपमान हो रहा है, जो निरंतर घर वापसी की बात कर रहा है, घर वापसी ला रहा है, अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो संतों की घर वापसी कराई गई है उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा हमेशा से सहयोग रहा है, हमेशा से समर्थन रहा है। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया। आज श्याम मानव के खिलाफ भी पुतला दहन किया गया है, उन पर FIR दर्ज हो कि ये संत हिंदुओं पे संतों को घेर बेइज्जती कर रहे हैं, वो निरंतर उनके द्वारा जो की गई है। और नागपुर से आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के को क्लीन चिट मिल गई है, प्रशासन द्वारा, नागपुर सरकार द्वारा क्लीन चिट मिल गई है। एक बात और बताना चाहूँगा कि आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा दमोह में कुछ दिन पहले कथा का किया गया था, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा कुछ वनवासियों को घर वापसी की है, निरंतर वो धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारा समर्थन रहेगा। कुछ दिन पहले नागपुर में भी हमें आमंत्रण दिया गया था कि वो छिंदवाड़ा जिले आए, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। मई में 26, 27, 28 तारीख को वो छिंदवाड़ा तामिया के अंचल तामिया ब्लॉक में आने वाले हैं, जिनकी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनके उनकी घर वापसी के लिए वो आने वाले हैं। और एक चीज़ और है, श्याम मानव जी ने जो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द श्याम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी से माफ़ी मांगे
नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज उनका पुतला दहन किया गया है छिंदवाड़ा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने, मिठेंगे गेट के सामने। जय श्री राम। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह 20 मार्च को आयोजित कराया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में हो रहे पहली बार समाज के सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़ी को मोटरसाइकिल एवं गृहस्थी का सामान दिया जाएगा। 20 मार्च को होने वाले सामूहिक विवाह के संबंध में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू एवं छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू ने ग्लोबल टीवी को जानकारी दी। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के सौजन्य से प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह मां संत शिरोमणि कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 20 मार्च को मनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू मुरारीलाल जी गुप्ता जी की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। इसमें समस्त जिले प्रदेश के वर वधु अपना विवाह संपन्न करा सकते हैं। समाज के समस्त सामाजिक बंधुओं को बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा में पहली बार सामूहिक विवाह समारोह करने जा रहा है। इसमें समस्त साहू स्वजाति बंधुओं से निवेदन किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अधिक से अधिक वर वधु का बायोडाटा पंजीयन करवाकर कार्यक्रम को सफल बनाए। इस कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्रत्येक जोड़े को एक एक मोटरसाइकिल और गृहस्थी का सामान, कूलर, अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग इत्यादि दिया जाएगा, उपहार स्वरूप दिया जाएगा। जय मां कर्मा। नगर पालिक निगम में शुक्रवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह, कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेरी ने कर्मचारियों अधिकारियों के कामों की समीक्षा की। साथ ही जिन इंजीनियरों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया ऐसे इंजीनियरों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। 17 एक कोई दिन पिछली थी, हाँ, उसमें कितने थे टोटल? नीचे देखो, नीचे 17 एक में थे सर, 1663। मतलब आपने एक हफ्ते में 33 बस घटे आप। 1604 हुए सर, वैसे चालू 104 हुए सर। इस बार अपन ने 45 लोग को पैसे दिए तो 45। अरे यार तुम कहानी मत सुनाए। मैं पूछ रहा हूँ, पिछले हफ्ते जब टीआर में बैठक की थी तब कितने थे? 1663। अभी कितने बचे? 1647। तो मतलब साथ साथ ही की एवरेज है आज। चंदेली साहब, मैं जिसको नोटिस जारी करूँ और ये सारे इंजीनियर को जो नोटिस जारी किए गए हैं इस पर कार्रवाई प्रस्तावित करूँ, ठीक है? जिसकी प्रोग्रेस अच्छी है उसको छोड़ दें। जैसे राजवीर ने अच्छा काम किया है, 17 और 15 इसने, कोई भी अब टीएल में एक कोर्ट के प्रकार आयोग में कोई है, आर्बिट्रेशन में कोई है, तो टीएल में जिस शाखा से तुम्हें जानकारी नहीं मिल रही है एक ये विषय टीएल का रखा था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शाम मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित लोक उत्सव भारत पर्व शहर में भी आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से आए कलाकारों और प्रदेश स्तरीय लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कलेक्टर शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया।
बिल्कुल हम भारत जी को याद करते हैं, अमित ठेले जी को याद करते हैं। अखबारों की चाहे खबर ना बन पाए, अखबारों की मिल पाए न सलामियां हथियारों की, चाहे खबर ना बन पाए अखबारों की मिल पाए न सलामियां हथियारों की, चाहे ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, ये जहरीला झूठ कसम से। मकर संक्रांति एवं बसंत उत्सव पर ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा। इस दौरान मनोरंजन खेल स्वल्पाहार आयोजित किया गया। पीली साड़ी में ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ की सदस्य इस कार्यक्रम में पहुंची थी। मिश्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्म समाज भवन में हल्दी कुमकुम में महिलाओं ने हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार दिए और उसके बाद स्वल्पाहार का आयोजन भी किया गया है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग स्वल्पाहार किए बिना ना जाइएगा, और वान लेना तो आपका अधिकार है, वान भी लेते ही जाइएगा, जिसको ना मिले। प्रतिवर्षानुसार इस बार 10वें वर्ष भी पतित पावनी मां नर्मदा जी का प्रकट उत्सव उत्साह से मनाया जा रहा है। 28 जनवरी को मां नर्मदा के भक्त स्नान दान पूजन पाठ चुनरी अर्पित कर यह उत्सव मनाते हैं। इसी श्रृंखला में छिंदवाड़ा महाकाल मोक्ष धाम मारुति नंदन सेवा समिति का 200 भक्तों का जत्था भी रवाना हुआ। ये सभी भक्त नर्मदा उत्सव के उपलक्ष्य में बरमान घाट की सतधारा में सुबह 5 बजे से स्नान पूजन पाठ भंडारे, संध्या काल में चुनरी यात्रा दीप उत्सव का आयोजन करेंगे। श्री महाकाल मोकधाम मारुति नंदन सेवा समिति छिंदवाड़ा के द्वारा विगत 10 वर्षों से पतित पावनी मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री महाकाल मोकधाम मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा बरमान के सतधारा घाट पे मां जगत जननी के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रातः सुबह 6 बजे से बरमान सतधारा घाट पे भंडारा प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि तक चलेगा, एवं शाम के समय सूर्यास्त के समय समिति के द्वारा माता रानी को सुंदरी भेंट की जाएगी। आज आप लोग यह जो बस देख रहे हैं, यह बस में लगभग 50 से 60 लोग अभी वहां पे बरमान के लिए निकल रहे हैं, और कल समिति के और अन्य लोग लगभग 200 से 300 लोग वहां पे पहुंचकर माता रानी के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। आप सभी को मां जगत जननी नर्मदा मैया के जन्मोत्सव के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हजरत बाबा ताजुद्दीन साहब की छठी शरीफ के मौके पर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे आजाद ऑटो संघ द्वारा विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा से भी लोग ताजबाग नागपुर जाते हैं, एवं यहां के लोग की सूफी संत ताजुद्दीन बाबा पर बड़ी आस्था है। बाबा ताज की जो आज छठी है, इसका ये लंगर का एहतमाम किया गया है, और सभी लोगों को यानी यहाँ पे बुलवा के और इनको यानी अच्छे इज्जत से खिलवाया जा रहा है लंगर, और आगे भी यानी कोशिश हमारी जारी है कि इसको आगे और बड़ा करें हम। संघ द्वारा किया जा रहा है जी, आजाद ऑटो यूनियन की ओर से, और कोई ड्राइवर भाई लोग हैं उनके उससे और से भी समर ट्रेवल्स और आजाद ऑटो यूनियन। अखिल भारतीय रजक महासंघ महिला मंडल ने बसंत पंचमी के अवसर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिला सदस्य शामिल हुई। रजक महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला रजक, जिला अध्यक्ष वीणा निर्मलकर,
उपाध्यक्ष बबीता मालवी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संत गाडगे महाराज मंदिर तिलक मार्केट में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान समाज के बच्चों की विविध प्रतियोगिताएं एवं सरस्वती पूजन भी किया गया। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, शनिवार को सांसद कप क्रिकेट के फाइनल में होंगे शामिल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार भी कर रहे हैं शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छिंदवाड़ा भी हुआ शामिल। MLB स्कूल में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री को सुना। जिले भर में प्रसिद्ध मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण कराएगी जिला पंचायत। सर्वे करने के बाद पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। लोक संस्कृति को बनाए रखने की कवायद। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को दी गई ट्रेनिंग। रोटरैक्ट क्लब के साथ मिलकर यातायात विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।